बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो तीर्था, आज क्या लंच में ले जा रही है? तीर्था सैंडविच। आज तीर्था सैंडविच लेकर जा रही है, आज मेरे लिए भी मैंने बना ली है सैंडविच। तो सबसे पहले तीर्था को जो हुआ बस स्टैंड पर छोड़ कर आते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। चलो देखो आज का माहौल कितना अच्छा है। सन नहीं निकला है पर ना अच्छा माहौल है ना, कि क्या बेटा, अभी बस बारिश आ जाए ना तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना तीर्था? और वो भी बारिश अभी ही आ जाएगी ना बस आने से पहले, तो तीर्था को मज़ा आएगा, नहीं तीर्था? सारे बच्चे यही जो है वो बारिश में कहते हैं कि बारिश स्कूल जाने के टाइम आए ना तो उसे स्कूल जाना ना पड़े। बताओ, देखो इतनी छोटी छोटी चिड़िया यहाँ पे है, देखो वो भी स्कूल जा रही है। वो स्कूल नहीं जाती। तो कहाँ जाती है? घर पे ही नहीं रहती, वो स्कूल पे भी जाती है, फिर घूमने भी जाती है, फिर अपना खाना ढूंढने जाती है, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जाती है, कितना सब कुछ काम करती है, पता है ना? क्या सोच रही? देखो तो सही। कितना अच्छा वेटर। देखो, देखा, इस बच्चे की भी यही सोच है। पर अभी बस तो जो छूटेगी नहीं, क्योंकि टाइम हो ही चुका है, बस आती होगी एक ही मिनट में। तीर्था ने न्यू सॉन्ग बना लिया है, बोलो तीर्था। स्कूल पे तो जाना पड़ेगा। यस, बस आई, देखो देखो, बस आई, देखो देखो, स्कूल पे जाना पड़ेगा। बारिश नहीं आई, बस आ गई। बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो बस तो चली गई है, तीर्था स्कूल पे चले गए हैं और मैं अपनी सैंडविच बना के ही आई हूँ, तो अभी सैंडविच चकर खाते हैं। तो देखिए यम्मी सी सैंडविच हमारी रेडी हो चुकी है, साथ में मैंने ली है चाय, क्योंकि सुबह का वक्त है तो चाय तो पीनी बनती है, तो इसलिए चाय और सैंडविच खाएंगे आज हम, चाय और सॉस नहीं खाएंगे। चलो यम्मी सी सैंडविच खा लेते। तो देखिए दोपहर हो चुकी है और बारिश इतनी जरा जरा से स्टार्ट हो गई, क्या बताऊँ, वहाँ से यहाँ आ रहे ना, फिर भी देखो मैं इतना भीग गई, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पानी भर चुका है। देखो तीर्था को तो वो तो नहाने भी चली गई, मैंने सोचा कि मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि बारिश तो इतनी अच्छी आ रही है, नहाने जैसी ही आ रही है, पर तीर्था के बिना मज़ा नहीं आएगा। तीर्था सो रही होगी, पर तीर्था तो निकली, देखो बाहर तीर्था, मज़ा आ रहा है तीर्था। हाँ कि हम छठ पे आ गए हैं और बारिश की आवाज़ आप सुन सकते हैं कि मैं आई हूँ अम्ब्रेला लेकर, क्योंकि मुझे भीगना भी है और नहीं भीगना है ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, बस अगर मन हो जाएगा ना तो ना आएगा। वैसे लग रहा है कि बारिश जो थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो देखते हैं अपना इंजॉय कर रही है बारिश। तीर्था ने तो नहा लिया है और बहुत ही मजे कर लिए हैं,
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अभी इतने भीगी गई हूँ, देखो सारे कपड़े तो भीगी चुके हैं, तो अभी मैं भी नहा ही नहीं। क्या कहते हैं आप, नहा ले क्या? तो क्या करे, तो चलो नहा ही लेते हैं, बारिश में अगर आई है तो। आप बताए कमेंट में कि आज की बारिश में किस किसने नहाया, हम कितने दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली नहा लिया। एक बार तो हमने नहा लिया, फिर दूसरी बार नहा लिया। तो देखिए अभी 4 बज चुके हैं और बारिश जो है वो अभी रुक गई है, और बहुत ही अच्छा जो है वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा माहौल हो गया है बारिश वाला। तो तीर्था तो देखो बारिश वाले माहौल में बारिश का एंजॉय लेकर सो गई है। अभी देखते हैं 5 बजे तक, अगर बारिश नहीं आएगी ना तो फिर से 5 बजे जो है ट्यूशन में उसे भेजेंगे, वरना फिर नहीं ट्यूशन में भेजेंगे। तो अभी देखते हैं, और मैं अभी ब्लॉग जो है वो अपलोड कर देती हूँ ताकि आप सबको ब्लॉग मिल जाए। और मैंने भी नहा के बहुत ही मज़े लेकर आ चुकी हूँ, और वीडियो कोई शूट करने के लिए था नहीं तो मैंने अकेले ही फ़ोन रख के नहा लिया। अभी देखिए शाम हो चुकी है और मैं और तीर्था निकल पड़े हैं, कहाँ पर जाने के लिए? तीर्था जा रही है उसकी बुआ के घर पर। नहीं। तो वो बुआ के घर पे जा रही है, तो मैंने सोचा कि चलो तुम वहाँ पे जा रही हो ना, तो मैं मम्मी के घर पे चल रही हूँ। थोड़े थोड़े चीजें आ रहे हैं, तो जब तक रुके हैं ना तब तक जाते हैं, फिर से आती नहीं ना बारिश से पहले घर पे पहुँच जाएंगे, है ना दीशा? देखो पूरा बारिश तो सेफ्टी पहना ही है। हाँ तुमने तो पहन ही लिया है। सब कुछ पानी वानी हो गया। मैं एक बात कहती हूँ, कृष्णा जी की मम्मी का नाम क्या है कमेंट में बताना। ओके चलिए अभी हो चुकी है रात, और बज चुके हैं रात के कितने बजे, 12:15 बज चुके हैं। आज तो कोई टेंशन नहीं है सुबह कल जल्दी उठने की, कल जो है वो मुहर्रम है तो उसकी जो वो छुट्टी है कल स्कूल पे, तो इसलिए तीर्था अभी इंजॉय करेगी, लेट नाइट तक जगेगी और मैं भी जाऊंगी। पर अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि मुझे तो आ रही है नींद, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे जगना नहीं है, मैं सो जाती हूँ। पर अभी देखते हैं कब तक जग पाते हैं या फिर बैटरी डाउन होकर सो जाते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और एक प्यार से कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।